जिंदगी का एक वसूल है कि जिंदगी में ना किसी को रास्ता बना बनाया कभी नहीं मिलता है, वह जिसने भी अपना रास्ता बना लिया खुद उसी को मंजिल मिलता है। अब आप बहुत जन बोलेंगे भैया बहुत जन के तो बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग रहता है, पहले से बना बनाया मिलता है, तो वो जिंदगी में असली मजा नहीं है। जो खुद से रास्ते बनाने के बाद अगर आप उस रास्ते पर चल रहे हैं तो उसका मजा है जो है वो बहुत अलग है, वो रियल में खुशी, रियल में सक्सेस वो है। तो याद रखना रास्ता बनाना पड़ेगा, और आप सभी को पता है आप रास्ता किस प्रकार के बना रहे हैं आज के डेट में, ताकि आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो पाए। सभी सोचना आप आज के डेट में कैसा रास्ता बना रहे हैं अपने लिए, फ्यूचर के लिए। क्लास को स्टार्ट करूंगा उसके पहले बोल दूं, अभी शाम को 7:30 बजे, कितने बजे 7:30 बजे आपको त्रिकोणमिति का जो है वो पार्ट 6 मिलेगा। पार्ट 5 तक मैंने आपको करवाया था, छठा पार्ट आज ही आपको शाम को 7:30 बजे जो है वो मिलने वाला है। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और 1 मई से शाम को 6 बजे आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है, मैथ का बेसिक चैप्टर से। नोट्स रखिएगा एक एक क्लास का, ठीक है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद गूगल के प्ले स्टोर से सक्सेस की 98 का, उसके बाद आप अपने फोन के ऊपर एंड्रॉयड फोन के ऊपर किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, या फिर रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर बैंक हो, कोई भी एग्जाम का। और 349 वाला पैकेज अगर वहां से लेते हैं ना, तो 1 साल तक आने वाले हर एक एग्जाम का 20 से 25 सेट आपको दिया जाएगा, ताकि एग्जाम से पहले आप प्रैक्टिस कर पाओ, अपने आप को जज कर पाओ कि कितना स्कोर कर। और आज कवर करेंगे हम सभी 28 अप्रैल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या। पहला क्वेश्चन है, लाइसेनिया क्रेज जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हुआ है। तो वो फिजी राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब एग्जाम में आपसे बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये करंट का है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ देगा एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आपके सामने पड़ा है, कि लाइसेनिया क्रेज जो है वो किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, या आपसे पूछ देगा फिजी के वर्तमान में पूर्व प्रधानमंत्री जिनका निधन हुआ है उनका नाम क्या है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा ये। या आपसे पूछ दे फिजी के पीएम कौन है अभी, फिजी का कैपिटल क्या है, फिजी का करेंसी क्या है, जो भी चर्चा में रह रहा है जो भी राष्ट्र, उससे क्वेश्चन आपसे बनता है। तो ये सब क्वेश्चन कम से कम बहुत बी केयरफुल, सावधानी से आप सभी देखिएगा। तो अगर बात करूं फिजी के अभी प्रधानमंत्री कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, फ्रैंक बैनीमारामा, ठीक है। और कैपिटल क्या है फिजी का, तो सुवा। और मुद्रा वहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं, तो फिजियन डॉलर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आप सभी को पता है ना 22 अप्रैल को जो है हम सभी क्या मनाते हैं, तो हम सभी मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस, यानी वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। आप सभी को बताना है कि इस बार का थीम, यानी इस बार का विषय क्या था इसका, तो इस बार का जो विषय था वह था आपका जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, आप एक बार अच्छे से देख लेना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, योद्धा कल्याण योजना, एक योजना स्टार्ट किया गया है आंगनवाड़ी वर्कर के लिए, और जो भी सहायक है आंगनवाड़ी में उनके लिए ये जो योजना है वो किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है। तो यह लॉन्च किया गया है आपके मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। कहने का मतलब है जितने भी आंगनवाड़ी में वर्कर है ना, उनको योद्धा कल्याण योजना के तहत हर एक सुविधा दी जाएगी, प्लस बीमा दिया जाएगा 50 लाख रुपए तक का। यह एक किस योजना के अंदर, तो योद्धा कल्याण योजना के अंदर जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर है, जितने भी कार्यकर्ता है, उनको 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। और मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान, ये आप सभी को पता है, पहले कमलनाथ थे। गवर्नर लालजी टंडन, और कैपिटल क्या है, तो वो है आपका भोपाल। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो सभी को पता है हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च किए गए इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म का नाम बताना है, जिससे कोरोना वायरस संबंधित नागरिकों के प्रश्न को संबंधित करने के लिए लॉन्च किया गया है।
संबोधित करने के लिए, ये आपको बताना है उस एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन नहीं है यह, एक आप बोल सकते हो प्लेटफॉर्म है, मैं आपको समझाऊंगा। जो ये केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी के द्वारा लॉन्च किया गया ना ये प्लेटफॉर्म, उसका नाम क्या दिया गया है, तो उसका नाम है आपका कोविन इंडिया सेवा। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये कहां पर मिलेगा भैया? तो यह जो सेवा है वह आपको मिलेगा कहां पर? ट्विटर के ऊपर, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो भी आपका डाउट है, जो भी आपके माइंड में संकोच है कोविड 19 कोरोना वायरस को लेकर, उसकी हर एक जानकारी आपको दी जाएगी अगर आप वहां पर ट्वीट कर आप उनसे पूछते हैं तो। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, आप जो भी हो आप जाकर वहां पर ना पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो कहां पर पूछना है, ट्विटर के ऊपर यह सेवा स्टार्ट की गई है, नाम क्या है, कोविड इंडिया सेवा, ऑप्शन नंबर आपका बी, और यह शुरू किया गया है केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस मंत्रालय ने देश भर में जितने भी ढाबा है और मरम्मत की दुकान का विवरण कर प्रदान करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है? अब मैं आपको क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं। आप सभी को पता है ना, आज के डेट में ट्रेन वगैरह तो सभी बंद है, लेकिन ट्रक वगैरह चालू है, क्योंकि अनाज जरूरी सामान हर राज्य से राज्य तक आपको ट्रक के द्वारा जो है वो पहुंचाया जा रहा है। अब मान लो रास्ते में ड्राइवर जितने भी कंडक्टर है उनको क्या चाहिए, खाना, या फिर ट्रक खराब हो गया तो गाड़ी का रिपेयर कहाँ कराए, ये सब चीज, तो वो सारी जानकारी लॉन्च ऑफ सारी जानकारी के लिए एक डैशबोर्ड, एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा, ये आपको बताना है, ताकि अगर उनको खाने की प्रॉब्लम हो या मरम्मत कराना हो तो वो सब जानकारी वहां पर ले सकते हैं। और ये लॉन्च किया गया है, जाहिर सी बात है ढाबा और ट्रक की बात होगी तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ये मंत्रालय किसके पास है, तो आप सभी को पता है यह मंत्रालय भैया नितिन गडकरी जी के पास है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किस मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया है जो घर घर के क्वारंटाइन नागरिकों को प्रभावी ढंग से ट्रैक कर सके? अब ये उस एप्लीकेशन का नाम बताना है जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है आपका संयम, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन सरकार इस मोबाइल के एप्लीकेशन के माध्यम से जो भी लोग क्वारंटाइन है उन पर नजर तो रखेगी ही रखेगी, प्लस जो भी लोग संक्रमित हैं या जो भी संक्रमित लोगों के बीच में आए हुए हैं तो उनको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, तो सरकार ये भी नजर रखेगी कि उन लोगों के फोन में ये एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल है कि नहीं, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम याद रखिए, क्या है, संयम। अगला प्रश्न हमारे सामने, हवाई इंडिया के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नाम है आपका डेविड ली, ऑप्शन नंबर आपका डी। आप सभी को पता है ना हवाई मोबाइल फोन भी आता है, हवाई का बहुत सारा ऑनर वगैरह। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रुद्र तेज सिंह जिनका 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया है वह किस कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई है और बहुत बड़े कंपनी के सीईओ थे। और वो किस कंपनी के सीईओ थे, तो बीएमडब्ल्यू इंडिया, जो गाड़ी आती है सबसे महंगी ना, उसी कंपनी की जो है ये सीईओ और क्या थे, प्रेसिडेंट अध्यक्ष थे। किस कंपनी के, बीएमडब्ल्यू इंडिया, यानी रुद्र तेज सिंह, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, फेसबुक ने सबसे बड़े टेक आधारित, यहां पर क्या बोल रहा है, सबसे बड़े टेक आधारित एफडीआई में रिलायंस जियो में 43,574 करोड़ रुपए में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? अब यहां पर मैं समझा दूं आप सभी को, रिलायंस जियो मान लो अगर 100% इसका शेयर है ना, तो 100% में 9.9% शेयर जो है रिलायंस जियो का वो फेसबुक के द्वारा खरीद लिया गया है, ठीक है। और कितने रुपए में, अमाउंट याद रखिएगा, यहां पर 9.9% तो याद रखना ही रखना है, और पैसे की बात करूं इसमें तो ये 9.9% कितना हो जाता है, 43,574 करोड़ रुपए। अब ये क्यों एंटर किया है भैया, क्यों खरीदा है, क्योंकि रिलायंस जियो और फेसबुक दोनों मिलकर जो है
चाहते हैं कि कंपनी बहुत बड़ा हो और फेसबुक डिजिटल के माध्यम से इसका प्रमोशन जोरों शोरों से करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस कंपनी का नाम बताना है जिसने भविष्य की नौकरी की तत्परता के लिए कॉलेज के छात्रों को तैयार करने के लिए तेलंगाना राज्य उच्च शिक्षा परिषद के साथ डील साइन की है। अब यहां पर मैं बता दूं आप सभी को एक चीज बहुत क्लियरली कि देखो, आप सभी को पता है कि COVID-19 के वजह से बहुत सारा जॉब जो है वो जाने वाला है। अब इसमें एक स्टेप लिया गया है कि 1 लाख तक के छात्रों को जो है वो ट्रेंड करेगा, कौन? TCS ट्रेंड करेगा, यानी जॉब देगा इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो। और कहां पर ये डील साइन किया गया है? तो तेलंगाना राज्य उच्च शिक्षा परिषद के साथ। ठीक है, और आज का आपका पहला प्रश्न है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम, यहां के राज्यपाल का नाम, गवर्नर का नाम, और यहां के जो मुख्यमंत्री है, गवर्नर है, और यहां का राजधानी। ये तीन चीज आपको, कैपिटल, CM और गवर्नर, ये तीन चीज आपको कमेंट कर बताना है तेलंगाना के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, जिनेवा आधारित अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और उनका नाम क्या है? राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर आपका D। ठीक है, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 28 अप्रैल का। इसका पूरा PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दिया गया है, या फिर फोन में अगर टेलीग्राम है तो सर्च मारिएगा SuccessKey98, आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, सो जितने भी मेरे भाई बहन है सभी को गुड इवनिंग, और शाम को 7:30 बजे आपका TRIGO का Part 6 वीडियो जो है वो मिलने वाला है। ठीक है ना, चलिए।